हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न ई स्पॉट और LES। आज हमारे इकोनॉमी लेक्चर सीरीज़ का दूसरा टॉपिक है एंड टुडेज टॉपिक इज़ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो वील कवर फाइव सेक्टर्स हियर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्विनरी। हाँ, हमारे वैसे तो हम लोग जनरली थ्री सेक्टर्स पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में और बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ में क्वार्टरनरी और क्विनरी सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट। तो हम एक एक करके देखेंगे पाँचों सेक्टर्स को। तो पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को अगर हम देखें ध्यान से तो दीज आर दी एक्टिविटीज़। इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये की टर्म है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल रिसोर्सेज एक की टर्म है यहाँ पर। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल हो गया, या मान लीजिए पेड़ हो गए, फॉरेस्ट हो गया, या फिर कोई रिसोर्स हो गया, कोई एनर्जी हो गई, तो जो भी चीज़ है जहाँ पर हमें नेचर को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करना पड़ रहा है, नेचर से हमें डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ रहा है, उन एक्टिविटीज़ को बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। इसके एग्जांपल में अगर हम देखें जैसे कॉटन का कल्टीवेशन है, तो कॉटन के कल्टीवेशन को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि कॉटन का कल्टीवेशन मतलब कि इन्वॉल्व है इसमें एग्रीकल्चर की एक्टिविटी। एग्रीकल्चर की एक्टिविटी इन्वॉल्व है मतलब कि इसमें कौन सा नेचुरल रिसोर्स यूज़ हो रहा है, रिसोर्स यूज़ हो रहा है इसमें लैंड का, इसलिए ये है एक प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी। सिमिलरली अगर हम देखें तो डेयरी की जो एक्टिविटी है वो भी प्राइमरी सेक्टर में आती है, क्योंकि डेयरी में हम कैटल को एज नेचुरल रिसोर्स यूज़ कर रहे होते हैं, फिशिंग में फिश को, फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट और प्लांट्स ट्रीज को, और माइनिंग में रिसोर्सेज को। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चार एक्टिविटीज़, पांच एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी, और ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिएगा, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड डेयरी। ये जो पांच एक्टिविटीज़ हैं, ये पांच एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी में इंक्लूड होती हैं, और इन्हीं से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक फंडा क्लियर रखना है कि जहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है डायरेक्टली, वहाँ पर जहाँ पे हम नेचर के साथ इंटरवीन कर रहे हैं, वो प्राइमरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। इसीलिए इस प्राइमरी सेक्टर को इंडिया में बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। अलाइड क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर तो एक इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में ये जो डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग है, इनको अलाइड बोला जाता है, क्योंकि ये सब जो है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू अदर थिंग। अच्छा, एक और चीज़ इसी में कि ऐसे लोग जो इस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि जो किसान हैं, उनको रेड कॉलर वर्कर कहते हैं, रेड कॉलर जॉब्स में ये इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेक्टर विच इज़ नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज़ कवर्ड हैं, जहाँ पर ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों ने निकाले थे एग्रीकल्चर से, मान लीजिए कॉटन हो गया, या मान लीजिए डेयरिंग एक्टिविटी से मिल्क हो गया, या फिशरी से फिश हो गई, तो ये जितने भी हमने प्रोडक्ट्स निकाले, कॉटन, फिश या जो भी XYZ, ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे आके चेंज कर रहे हैं, इनका फॉर्म चेंज कर देते हैं किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, इन सब की इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। मतलब प्राइमरी सेक्टर से जाकर वो किसी इंडस्ट्री में जाता है, और यहाँ पर ये जो नेचुरल प्रोडक्ट था इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। तो हम फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन का, कि हमने कॉटन कल्टिवेट करी थी, और यहाँ पर हमने जब पावर लूम, हैंडलूम सेक्टर में कॉटन को लेकर गए, तो उन्होंने कॉटन फाइबर में इसको कन्वर्ट कर दिया, और उससे एक क्लॉथ बन के आ गया, कपड़ा, और फिर आकर वो क्लोथ्स भी बन गए जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पहनते हैं, राइट? ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें कि शुगर केन हमने प्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इसको हमने शुगर में जब इंडस्ट्री में जाकर मील में भेज के जब हमने चीनी का उत्पादन किया, तो ये जो चीनी का उत्पादन होगा ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा। शुगर केन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, और शुगर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग
इन्वॉल्व है। तो फंडा क्या है सेकेंडरी सेक्टर का, जहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा हो नेचुरल प्रोडक्ट का किसी दूसरे फॉर्म में थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोसेस, थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, थ्रू इंडस्ट्रीज, ये आएगा सेकेंडरी सेक्टर में। इसीलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दो मेजर चीज़ें हैं इसमें इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर में, एक तो मैन्युफैक्चरिंग और एक कंस्ट्रक्शन, निर्माण और विनिर्माण, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन निर्माण एंड मैन्युफैक्चरिंग वुड बी विनिर्माण। तो ये जो एक्टिविटी है, इसका की टर्म यहाँ पर जो यूज़ करना है हमें, वो हमें मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन करना है। मतलब कि जब हमने क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई रिसोर्स निकाला और फिर उससे हमने ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं बनाए, मान लीजिए मिट्टी और बहुत सारे केमिकल्स जो थे वो हमने नेचुरल प्रोसेस से निकाले और फिर उसको जो है इंडस्ट्री में जाकर उसे सीमेंट बनाई और फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया एक घर, तो वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने मेटल निकाला कोई माइनिंग से कॉपर, और फिर कॉपर वायरिंग जब करी, उसकी मैन्युफैक्चर किया कॉपर वायर, तो हमें वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। ऐसे ही कोल हमने जब निकाला, ठीक है, माइनिंग के थ्रू, तो ये जो माइनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हुई, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। लेकिन इस कोल को जब इंडस्ट्री में यूज़ किया और उससे हमने आयरन को मिल से हमने स्टील बनाया, तो हमने क्या किया है, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में डालेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डालेंगे। तो आयरन का निकालना क्या हुआ, दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्टर जॉब वर्क। और जब इसको हमने स्टील में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ कोल, तो हमें ये सेकेंडरी सेक्टर की जॉब हो गई। क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड सेक्टर, विच इज़ द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में कौन सी इन्वॉल्व है एक्टिविटीज़, तो ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को बल मिले, डिवेलपमेंट हो इनका। ये अपने आप में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करती हैं। तो जैसे ही आपको कभी भी कोई एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए, आप देखिए कि क्या इसमें कोई प्रोडक्शन किसी तरह का इन्वॉल्व है, तो आप देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर की एक्टिविटीज़ में किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं इन्वॉल्व है, सिर्फ एड और सपोर्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है बहुत अच्छा सा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से फैसिलिटेशन होता है कि जो कॉटन हमने प्रोड्यूस किया था वो कॉटन इंडस्ट्री तक कैसे पहुंचा, वाया ट्रक या वाया ट्रेन या कोई भी एक्स वाई जेड और सामान, है ना, ठीक है। फिर ये जो कॉटन फाइबर था, ये और शॉप्स में और होलसेल मार्केट में, इन सब जगह जब पहुंचा तो किससे पहुंचा, अगेन द सेम प्रोसीजर। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, एक सर्विस सेक्टर का पार्ट है, इसलिए इसको हम टर्शरी सेक्टर में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही अगर हम टूरिज़्म देखें, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी आजकल बहुत ट्रेंड में है टूरिज़्म सेक्टर, एंड वी आर ट्राइंग कि इंडिया भी एक टूरिज़्म इकोनॉमी बने, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं दैट वी कैन टैप ऑन टू दिस इकोनॉमी। इसमें भी हम क्या करेंगे, टूरिज़्म में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सर्विसेज किस तरह की, अगर आप रेड फोर्ट गए हों या कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गए हों, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत अच्छे से ऑडियो सेंटर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये भी एक सर्विस का ही पार्ट हैं। वहाँ पर आपको जो बुक्स अवेल कराई जाती हैं, जो आपको वहाँ पर गाइडलाइंस दी जाती हैं, आपको उसके बारे में बताया जाता है, साउंड एंड लाइट शो किया जाता है शाम में, रात में, तो ये सब किसका पार्ट है, ये टूरिज़्म सेक्टर में सर्विसेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बैंकिंग की देखें, एजुकेशन देखें, हॉस्पिटैलिटी देखें, इंश्योरेंस देखें, ये सब की टर्म्स हैं, इनको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, टूरिज़्म, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन एंड मेडिकल सर्विसेज, जी हाँ, मेडिकल सर्विसेज भी, ये सब टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, एक और एग्जांपल बस मैं यहाँ पे लेती हूँ मेडिकल सर्विसेज का। आपको लगेगा कि अरे क्यों, इक्विपमेंट्स तो सारे बनते हैं, तो फिर ये टर्शरी सेक्टर में क्या ऐसे आया, आई विल टेल यू। सो जब हम
एक डॉक्टर जो होता है वो सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसके एक्सचेंज में वो हमसे फीस लेता है। वो ना तो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ना ही वो कहीं पर कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रहा है। अगर उसे कोई मैन्युफैक्चर करना है कुछ, तो वो जाकर इंडस्ट्रीज़ के पास जाता है और इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। लेट्स से एक छोटा सा स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप डॉक्टर नहीं प्रोड्यूस करता, स्टेथोस्कोप तो कोई दूसरी कंपनी होगी जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगी और वो वहाँ पर जाकर उसको प्रोड्यूस कर रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो इन्वॉल्व है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन डॉक्टर अपनी एज सर्विसेज सिर्फ यही प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये टर्शरी सेक्टर का पार्ट है उसका। क्लियर, ग्रेट। लेट्स मूव ऑन टू क्वॉटर्नरी सेक्टर। तो क्वॉटर्नरी सेक्टर क्या है? ये एक नया सेक्टर इमर्ज हुआ है जिसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है? वैसे अगर हम देखें तो क्वॉटर्नरी और क्विनरी, ये जो दो सेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, ये हम देखेंगे कि टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर का ही एक सब सेक्टर हैं दोनों, ठीक है। लेकिन हम इनको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये मेजर सेक्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं। इनको हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉलेज इकोनॉमी को मदद बहुत करते हैं। नॉलेज इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, इंडिया में स्किल्ड लेबर इतना है, यहाँ पर एजुकेशन का जो लेवल है, क्वालिटी है, वो एजुकेशन जो है वो चीप भी है और क्वालिटी भी है, इसीलिए यहाँ पर स्किल्ड लेबर हमें बहुत आराम से मिल जाता है। पॉपुलेशन हाई रहती है तो ये लेबर कंपैरेटिवली डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में चीपर भी अवेलेबल होता है। तो क्या करते हैं, जो बिज़नेस प्रोसेसिंग आउटपुट्स होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में शायद ये देखा था कि जो BPOs हैं वो आकर MNCs जितने भी हैं, सॉरी, जो MNCs हैं वो इंडिया में आकर BPOs इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया पूरा? ये BPO का सेक्टर हो गया, जो कि एक तरह से हम देखें कि सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये नॉलेज एक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए ये क्वॉटर्नरी सेक्टर है, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट, कल्चर, लाइब्रेरीज़, R&D, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब आ जाता है। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्टर विच इज़ क्विनरी सेक्टर। क्विनरी सेक्टर बहुत बढ़िया समझ आएगा आपको। आपने इसको, मैं बहुत पहले एग्जाम्पल समझाती हूँ कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, आपने नीति आयोग का भी नाम बहुत अच्छे से सुना होगा, आपने बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी देखी होंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन का काम हो रहा है सरकार के लिए या कोई भी XYZ कंपनी के लिए, कुछ हाई प्रोफाइल डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद करने के लिए। इसके लिए फाइनेंशियल डेटा और ये सब हम बहुत सारे रिपोर्ट्स भी पढ़ते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये बहुत सारे इंडेक्सेस निकालती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा एक दो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के नाम, रिपोर्ट्स के नाम। उसके बाद हम तो जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, नीति आयोग है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये सब एक हाई लेवल डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ये डेटा इंटरप्रिट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कोई फाइनेंशियल डेटा है, लीगल डेटा है, और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट को या कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े सेक्टर्स को ये बताते हैं कि आपका ये काम करना बेनिफिशियल होगा और ये काम करना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं आजकल जो हमें ये बताती हैं कि म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें बस अपने चीज़ों को पैसे देने होते हैं और वो लोग हमारे लिए बहुत सारे काम कर देते हैं, बिकॉज दे नो कि सबसे लीस्ट रिस्क वाली जॉब कौन सी होगी। तो ये क्विनरी सेक्टर का ही पार्ट है, एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व हाई लेवल डिसीजन मेकिंग बाय गवर्नमेंट एंड अदर कॉरपोरेट सेक्टर्स। यहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर लिखना था, आई एम सॉरी। तो जो भी बड़े कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, ये सब जो है किसी ना किसी एक बड़ी, पीछे से एक बड़ी कंपनी में इन्वॉल्व होते हैं जो कि इनके लिए सिर्फ डेटा एनालिसिस का काम करती है, जिससे कि ये प्रॉपर डिसीजंस ले सके, अपनी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, अपने प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, क्यों लॉन्च करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब क्विनरी सेक्टर का पार्ट हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर होने लगा है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मार्केट स्ट्रैटेजी, ठीक है।
सो दीज आर द फाइव सेक्टर्स. आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो. सबके की टर्म्स एकदम दिमाग में बिठा लीजिए पांचों के. वील जस्ट टेक अ रिविजन, क्विक रिविजन. प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग. सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, टूरिज्म, इंश्योरेंस, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, मेडिकल सर्विसेज. क्वार्टरनरी मतलब इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट, आईटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. एंड क्विनरी मतलब हाई लेवल डिसीजन मेकिंग, जैसे कि एग्जाम्पल में डेटा एनालिसिस, लीगल, फाइनेंशियल, कंसल्टेंसी. ठीक है, लेट अस मूव ऑन. आगे दिस इज़ द क्वेश्चन, यू कैन हैव अ लुक. आई विल टेल यू द ऑप्शन. ऑप्शन हियर इज डी, ओनली थ्री. और बताइएगा इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम व्हाई ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. उसके बाद फाइनली आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट. आई एम ओपन टू कॉमेंट्स. थैंक यू सो मच.